आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके दोस्तों रिजल्ट्स आए थे, और रिजल्ट्स दोस्तों बेहतरीन शानदार आए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आए हैं। तो ऐसा कौन सा वो शेयर है जिसने दोस्तों इतनी बढ़िया आपको रिजल्ट्स ला के दिखाए, और क्या इसके अंदर आपको तेज़ी करनी चाहिए, क्या यहाँ पे आपको इसको ख़रीदारी करनी चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो दोस्तों, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम ट्रेंट है। तो ट्रेंट के देखिए Q4 रिजल्ट्स निकल के आए थे। कंपनी ने करीबन प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है 17 करोड़ का, और रेवेन्यू दोस्तों 906 करोड़ पे आपको रहता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस बार Q4 रिजल्ट्स निकलने का देखिए, अब जगह मौसम चालू हो चुका है, सबके Q4 रिजल्ट्स अब निकल के आने लग गए हैं। सारी कंपनीज देखिए अपने Q4 रिजल्ट निकाल रही है। इस पर दोस्तों टाटा ग्रुप की एक कंपनी ट्रेंट, जिसने दोस्तों कल रिजल्ट निकाले, और इन्होंने करीबन 17 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट किया, और कंपनी का रेवेन्यू आपको 906 करोड़ के आसपास रहता हुआ देखने को मिला है। पिछली बार देखें तो करीबन जो रेवेन्यू था वो 842 करोड़ था, तो रेवेन्यू में एक बढ़िया आपको इंक्रीज देखने को मिल चुका है। अब कंपनी ने क्या कहा है देखिए यहाँ पे, द कंपनी हैड पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 3.21 करोड़ इन जनवरी मार्च पीरियड ईयर अगो ट्रेंड सिड इन BSE फाइलिंग। तो जो पिछली बार दोस्तों जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो था करीबन 3 करोड़, और इस बार दोस्तों करीबन इस ये बढ़ के हो चुका है 17.44 करोड़। तो अब देखिए कंपनी के जो प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया आपको इंक्रीज देखने को मिल चुका है, काफ़ी प्रॉफिट में देखिए आपको बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछली बार से। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का करीबन 5 गुना कंपनी का प्रॉफिट आसपास बढ़ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए यही कंपनी लगातार कर रही है, कंपनी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। जैसा आपको मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी ने दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया। पिछली बार भी आप देखिए ये स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी करी थी, लेकिन ज़्यादा लोगों के नज़र में जरूर नहीं रहता है ट्रेंड, बिकॉज यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, और ज़्यादा लोग यहाँ पे देखिए बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए स्टॉक है, जिसमें काफ़ी लोगों ने लॉन्ग टर्म से पहले देखिए इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री ले रखी है, और यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक के अंदर भी वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार के नंबर्स निकल गए वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है, और यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कंपनी के नंबर्स बढ़िया है। तो देखिए आपको ये स्टॉक को ज़रूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब एक बार कंपनी के देखिए चार्ट पे कहता हूँ, स्टॉक के चार्ट पे लेके जाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कंपनी ने किस प्रकार की तेज़ी करके दिखाई है। तो देखिए ट्रेंट ने 776 पे क्लोजिंग दी है, 85 पैसा स्टॉक बढ़ा हुआ है, 0.11% की तेज़ी दिखाई है इसने देखिए फ्राइडे के सेशन में। तो यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न कमा के दिए हैं वो करीबन है 59%, और स्टॉक ने पिछले 3 महीने के अंदर जो तेज़ी दिखाई है वो दिखाई है दोस्तों करीबन यहाँ पे 20% की, और जो एक स्पाइक देखने को मिला था 950 रुपये तक के लेवल्स आपको ट्रेंड के अंदर देखने को मिल गए थे, वहाँ से थोड़ा सा गिरा। कह सकते हैं पिछला स्टॉक के लिए एक महीना काफ़ी बुरा रहा था, पिछले एक महीने में स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों वो जो गिरावट है वो पूरी हो चुकी है, और अब वापस से देखिए स्टॉक के अंदर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन की बात करूँ तो पिछले 5 दिन में देखिए आपको स्टॉक कभी करीबन बढ़ता हुआ देखने को मिला है 0.83%, और अब पिछले एक महीने में करीबन 1% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक के अंदर देखिए लगातार मोमेंटम है वो बिल्ड होता जा रहा था, और स्टॉक काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखा रहा था, और उसके बाद अब देखिए जो 950 के लेवल था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद अब देखिए स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिला, और आपको वापस से मिलने लग गया करीबन 700 रुपये के लेवल पे। तो अपने 52 वीक हाई से आप देखिए स्टॉक करीबन 200 रुपये के आसपास यहाँ पे गिर चुका है, और अब रिजल्ट्स कंपनी के आए तो रिजल्ट्स में भी एक बढ़िया आपको प्रॉफिट रिपोर्ट देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया है, देखिए जो परसेंटेज होता है वो आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ऐसे स्टॉक्स को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया फायदा करवा के देखे जाते हैं, और इन स्टॉक्स के अंदर देखिए ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता है, लेकिन देखिए ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स को आपको ढूंढना पड़ता है। और ये दोस्तों जिस प्रकार की कंपनी है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया काम करती है। कंपनी किस प्रकार की अगर आपको नहीं पता है तो ये बताता हूँ दोस्तों, कंपनी फुटवेयर रिटेल के देखिए बिजनेस से यहाँ से जुड़ी हुई है। कंपनी करीबन अपैरल फुटवेयर देखिए रिटेल ट्रेड के आसपास ये काम करती है, तो रिटेल कंपनी का काम है, तो यही आपको देखने को मिल रहा है। तो अब करना क्या होगा देखिए यहाँ पे इन लेवल्स पे आपको ट्रेंड के अंदर, चलिए आपको ये बताता हूँ। देखिए टेक्निकल्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो समझ में आएगा कि लोग देखिए रिजल्ट से पहले ज़्यादा ना बाइंग कर रहे हैं ना सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल रहने की सलाह दी जा रही है, तो ऐसा कोई खास यहाँ पे दिक्कत दिखती नहीं है। तो करना क्या होगा दोस्तों, आप आपको मंडे को अगर ये थोड़ा सा भी नीचे मिलता है तो बाय करना है, या फिर अगर आपको करंट लेवल पर मिलता है तो बाय करिए, और यहाँ से 2 महीने का आप टाइम लीजिए, और स्टॉक्स में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं करीबन 900 to 1000 रुपीज़ के लेवल। तो ट्रेंड के अंदर 900 से 1000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और अगर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है तो यहाँ से 650 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और ट्रेंड के अंदर खरीदारी करके चलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।